तो गाइज अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज मैं चैनल पर रोज़ाना यूट्यूब से रिलेटेड ड्रामा न्यूज़ एंड स्टोरीज अपलोड करता रहता हूँ, तो यार सब्सक्राइब जरूर करना। एनीवे चलता हमारी पहली स्टोरी पे, जो हम बात कर रहा हूँ बी बॉयज के बारे में। तो रिसेंटली मैं बी बॉयज अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए, दुनिया अब क्या से क्या हो गया है। बेसिकली इस वीडियो में वो एक बस में ट्रेवल कर रहे थे एंड वहीं किसी ने उनके पर्स को चुरा लिया था, जिसमें अराउंड 20,000 रुपीज थे, जिससे वो अपना नया फोन लाने वाले थे। बट फॉर्चुनेटली वो उस वक्त व्लॉग कर रहे थे और ये पूरा इंसिडेंट उनके व्लॉग में कैप्चर हो गया था। तो आप भी देखिए उनके इस व्लॉग का एक छोटा सा वीडियो क्लिप। यही रहना तो सही था ना पार्स, यही पर था, बैग का चेन खुला हुआ है, मोबाइल भी है। उसने बोला है कि मेरे बैग में मोबाइल भी है, तो उसको कैसे पता चला कि मेरे बैग में मोबाइल है। तो गाइस आप लोग ये देखिए, वो ऐसा करके मुझे रखा तो उसको हटा के मैं आ गया है, फिर भी वो मेरे पीछे पीछे आके मेरे पास रहता है। आप देखना वो मेरे पीछे है, आके वो मेरे पीछे है, मेरे पीछे खड़ा हुआ है और बैग में नजर दे रहा है। देखो ये मेरे बैग से कुछ निकाल नहीं रहा था तो ये नीचे क्यों देख रहा था। ये नीचे देखो ये देखिए नीचे मेरे बैग में क्यों देखा था। अब देखना इस बंदे ने हाथ को नीचे लाया और बैग से वो निकाला। देखिए अच्छी तरह कंडक्टर भी देख लिया, ओ और नीचे वो कर लिया। मुझे पता नहीं चला था कि उस अंकल ने मेरे पैसा को चूर करके अपने जेब में डाल लिया है और मेरे सेन खुला के खुला रह गया। वो आप देख सकते हैं, ये देखिए खुला रह गया है मेरे बैग, तो चेक किया पैसा नहीं है। मेरे बैग से मेरा पर्स गायब, जिसने मुझे आने से रुक के रखा था, ये और ये कंडक्टर, यही दोनों था मेरे पीछे और कोई भी नहीं था। तो गाइस इस फुटेज को देख के आपके दिमाग में क्या सवाल आया, क्या उसने ही लेके गया या किसी और ने, प्लीज कमेंट में आप जरूर बताइएगा। लेकिन यार ये जो भी हुआ है पूरा गलत हुआ है, आपका क्या कहना है इस पे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो अब जल्द नेक्स्ट स्टोरी पे, तो हम बात कर रहा हूँ एमए बंटाई के बारे में। सो एमए बंटाई बन चुके हैं वर्ल्ड के टॉप 450 यूट्यूबर्स में से एक, एंड या इट्स अ बिग अचीवमेंट बाय हिम। ऑल्सो एमए बंटाई के सॉन्ग रिंग रिंग ने क्रॉस कर लिया है 10 मिलियन व्यूज। तो इसी पे रिएक्ट करते हुए वो कहे, अनदर वन रिंग रिंग क्रॉसेस 10 मिलियन प्लस ऑर्गेनिक व्यूज इन अ वीक, लेट्स गो, थैंक यू एवरीवन, हैशटैग बंटाई की पब्लिक ग्रेटफुल। कंग्रेचुलेशन टू हिम। सो अब चल नेक्स्ट स्टोरी पे, तो बात कर रहा हूँ राउंड टू हेल के मेंबर नाजिम के बारे में। सो रिसेंटली नाजिम अपना फर्स्ट एवर सॉन्ग अपलोड किए जवाब दो, एंड इस सॉन्ग पे उनको इतना अच्छा रेस्पॉन्स मिला कि लिटरली में एक टाइम तो व्यूज भी स्टक हो गए थे। तो इसी पे रिएक्ट करते हुए नाजिम कहे, व्यूज स्टक, मतलब क्या ही रेस्पॉन्स दिया है यार तुम लोगों ने। सो है मैंने कंग्रेचुलेशन टू नाजिम। ऑल्सो अगर आपने इनके इस सॉन्ग को नहीं देखा है देन लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। सो अब चल नेक्स्ट स्टोरी पे, तो बात कर रहा हूँ स्ले पॉइंट के बारे में। अगर तो आपको याद हो कुछ महीनों पहले एक वर्ड बहुत वायरल हुआ था विनोद करके, जिसपे काफी ज्यादा मीम्स बने थे एंड सभी जगह विनोद ही ट्रेंड कर रहा था। तो रिसेंट में स्ले पॉइंट को ट्विटर इंडिया ने टैग करते हुए लिखा, विनोद बिकेम द मोस्ट ट्वीटेड मीम ऑन ट्विटर इंडिया दिस ईयर। इसी पे गौतमी का भी रिएक्शन आप लोग देख सकते हो। ऑल्सो स्ले पॉइंट एबीपी न्यूज पे भी फीचर हुए, इसी पे रिएक्ट करते हुए वो कहे, ये कब हुआ स्ले पॉइंट ऑन एबीपी न्यूज। सो अब चल नेक्स्ट स्टोरी पे, तो बात कर रहा हूँ हर्ष बेनीवाल के बारे में। सो रिसेंटली में हर्ष बेनीवाल अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी पोस्ट किए, जहाँ वो बैकग्राउंड में एमए बंटाई का म्यूजिक चला है, जिसको देखकर ऐसा लग रहा है कि उन्होंने ये स्टोरी किसी के लिए पोस्ट करी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए हर्ष बेनीवाल की उस स्टोरी को। सो यार आपका क्या कहना है इस पे मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। सो अब चल नेक्स्ट स्टोरी पे, तो बात कर रहा हूँ अमित भड़ाना के बारे में। तो अमित भड़ाना बन चुके हैं एमपीएल के ब्रांड एम्बेसडर। जी हाँ गाइज, इसी के बारे में बताते हुए अमित भड़ाना के मैनेजर धीरज जोरवाल कहे, सो दिस इज द बिगेस्ट न्यूज इन इन्फ्लुएंसर इंडस्ट्री, अमित भड़ाना इज नाउ ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एमपीएल ऐप। सो यार मैनी कंग्रेचुलेशन टू अमित भड़ाना। सो अब चल नेक्स्ट स्टोरी पे, तो बात कर रहा हूँ मैंगो बॉय के बारे में। सो जैसे कि आपको बताया यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में जो डिजर्विंग वीडियोज होती है वो नहीं पाती है, एंड जिनका एंगेजमेंट बहुत कम होता है वो ट्रेंडिंग सेक्शन में आ जाती है। तो इसी को एक्सपोज करते हुए मैंगो बॉय अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड किए, जहां वो कुछ वैलिड पॉइंट्स देकर बताया कि क्यों यूट्यूब के ट्रेंडिंग सेक्शन में जो डिजर्विंग वीडियोस होती है वो नहीं आ पाती है। तो आप भी देखिए उनके उस वीडियो का एक छोटा सा वीडियो क्लिप। बट व्हाट इफ आई से मैनेजमेंट कंपनीज कैन मेक यू ट्रेंड, क्या तुम मेरा यकीन करोगे? करना पड़ेगा क्योंकि मैं कह रहा हूं। तो जो मैंने पहले 3 वीडियोस दिखाए थे उनकी थर्ड सिमिलरिटी ये है कि उनकी सेम मैनेजमेंट कंपनी है, लेट्स नेम इट मैंगो बॉय प्राइवेट लिमिटेड फॉर कॉपीराइट रीजंस। और इसका फाउंडर और कोई नहीं लेकिन ऋषिकेश खुद है, जो कि पहले 2 वीडियोस का स्क्रिप्ट राइटर भी है। माइट बी अ कोइंसिडेंस, प्योर कोइंसिडेंस।
तो मैंने 2 हफ्ते बाद वापस चेक किया ऑन 20th of October। इस बार सेम कंपनी के 4 क्रिएटर्स ट्रेंड हो रहे थे इन टॉप 15। माइट बी अ कोइंसिडेंस, दो बार हो सकते हैं, ठीक है। बट मैंने तीसरी बार चेक किया ऑन 24th of October और इस बार इस कंपनी के टॉप 50 में 7 वीडियोस ट्रेंड हो रहे थे। ऑन 14th of November मैंने वापस से चेक किया, इन टॉप 15 वापस से 2 क्रिएटर्स ट्रेंड हो रहे थे ऑफ सेम मैनेजमेंट कंपनी। इट साउंड्स फिशी टू मी। अब तुम्हें लग रहा होगा ये लोग पैसे देके ट्रेंडिंग पे आते हैं, बट लेट मी टेल यू, YouTube की गाइडलाइन है ऑफिशियल पेज पे दैट दे डोंट टेक एनी पेमेंट्स टू पुट अ क्रिएटर ऑन ट्रेंडिंग। मान लेता हूँ क्योंकि YouTube मेरा बाप है एंड आई नेवर गो अगेंस्ट माय डैडी, बट आप एक ही ऑप्शन बचता है टू गेट ऑन ट्रेंडिंग इज बाय क्रैकिंग YouTube एल्गोरिथम। प्रॉब्लम ये है कि इंडिया में बस ऐसी एक ही मैनेजमेंट कंपनी नहीं है, सैकड़ों मैनेजमेंट कंपनीज है। लाइक आई कैन जस्ट गो ऑन एंड गिव यू अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स, लाइक बैक इन जनवरी MSK व्लॉग्स वाज रेंटिंग अबाउट हाउ गौरव जोन वाज ट्रेंडिंग वेयर एज हिज फ्रेंड जत प्रोब wasn't even after having good engagement ratio than Gavro Zone. Well, the answer is again Gavro Zone is signed to a marketing company exclusively, whereas Jet Probjot isn't, at least not exclusively. So yeah, that's it for today's video. अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ में जरूर शेयर करना। हम मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अलविदा, थैंक यू।